भाग्य अच्छा नहीं है, जब तक उसके बारे में कोई जासूस ना हो कहां आता है किस्मत आता है, ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? क्यों बताइए, तुम्हारे घर में कोई होनहार सिपाही है उसको भेज कर जासूसी करवाना चाहते हैं? है, मैं जरूर बताऊंगा। कौन है सर? इंस्पेक्टर हवलदार खोटे शुक्ला। हवलदार खोटे शुक्ला जी सर। अब जसवंत सिंह, तुम तो कहते हो बाप लायक इंसान है, मगर वो जगह से जा सकता है जासूस? लेकिन सर वो परमाणु दहन करता है लेकिन जासूस करने में बहुत कामयाब है। अश्वर फिशर सर उसे बुलाया जाए। अच्छी बात, मैं बुला रहा हूं हवलदार खोटे शुक्ला। आज तुम्हें एक काम करना है। कौन का तुम्हें आज पहाड़ी पे जाना है, काली पहाड़ी पे। तुम्हें डाकू भैरव सिंह का पता लगाना है। क्यों क्यों ना भेजे? होनहार सिपाही तुम ही लग रहे हो थाने में, इस वजह से आज हम तुम्हें ही भेजेंगे। हाँ, तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो अपनी उदार वर्दी उतार के खूंटी में टांग दो, अपने जाओ घर चुपचाप। सर जाएंगे। हाँ, मगर जाना अपनी हुलिया चेंज करके तो जाना। इनका अनीता कुमारी को भेज दिया। अनीता कुमारी को साथ में क्या करेगा? इनका भेज दिया बस, लड़ाई डाल दिया। क्या चीज है छापा इतने हाथ मारा? अगर हमारे साथ बातें भी जी की तो तुम सस्पेंड कर दूंगा मैं तुझे। शायद पता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। हम जाते हैं। हाँ, अगर चाहेगा ना तो उसको सस्पेंड कर सकता हूँ अगर मेरा कहना हुआ तो। हाँ, याद है हमारे वही जाना पहचाना छाया हुआ नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर यानी फॉरेस्टर साहब मोहम्मदपुर की तरफ से ये 20 रुपया का पुरस्कार बाबा जी की तरफ से दे रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से। लाख लाख धन्यवाद भाई साहब को। हमारा आत्मा रहा हमारा बकवास का छुटा हमें अरे तकवा के साथ लेकर और आपसे जासूस करने के लिए गया है। उसके साथ पीछे जो है हम लोग जाएंगे क्योंकि कोई अगर प्रकार की दिक्कत होगी तो हम लोग फौरन गोली चला। से कुछ कहने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो बहुत दिन अब हो गए बंद मेरा वाले थे लेकिन आज अपना हथियार हाथ में उठाए हैं तो कहीं ना कहीं से लौट कर रखकर जरूर आएंगे। उसका कारण बताओ, हम लोग कैसे चलेंगे?
लोग हथियार हाथ में ले चुके हैं। अब कोई चिंता की बात नहीं है। सही है तो नंदा सिंह, लेकिन नंदा सिंह हमारी बात सुनिए। और हुक्म अपने सरदार का नंदा सिंह, और हुक्म अपने सरदार थाने में यशपी धर्मराज सिंह आया जी सर, और मुझे कैद करने के लिए उसने पीड़ा उठाया। सरदार साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए उसकी ये मजान। आप डाकू भाई सिंह को अरेस्ट करेगा। सुनिए गंगा सिंह, सुनिए गंगा सिंह हमारी बात। उसके जैसे कई अधिकारी थे उन्हें
यानी भारी के साहब मोहम्मदपुर भिड़िया की तरफ से जो 20 रुपए का पुरस्कार बाबा जी की तरफ से मेरे हमारी पार्टी की तरफ लाया धन्यवाद भाई साहब को। अनिता कुमारी आप कही थी हवलदार के साथ से वापिस आ गए, चलो हवलदार बोलते हैं। अरे हवलदार के बच्चे सर आज तुम्हारी ड्यूटी इसी रास्ते में लगाते हैं, इस पहाड़ों का मेन रखता है डॉक ऑफर निकलने का। आज हमारी ड्यूटी लगा दी। हाँ 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 क्यों नहीं ड्यूटी लगाओ, जैसे डॉक्यूमेंट उसका तुरंत पता लगाओ। बातें हुई